हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्डी किचन। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल स्वीट बूंदी। मेरा चैनल में मालपुआ एंड राबड़ी का रेसिपी है जो मैं लास्ट ईयर होली में बनाई थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिए। लेकिन आज हम बनाएंगे येलो एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन स्वीट बूंदी। बूंदी को हम बंगाली में बोदे बोलते हैं और ये ईजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा तो होली में हम डिफरेंट टाइप्स का स्वीट बनाते हैं और आज बूंदी बना लेंगे। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे रेसिपी अपलोड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बेसन और ग्राम फ्लावर, पिंच ऑफ सॉल्ट। जिस कप में बेसन लिया है उसी कप में मैंने पानी भी लिया है, 1 कप पानी लिया है। देखते हैं कितना लगता है हमें पानी। हमें बैटर थोड़ा सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं पहले। बैटर ज़्यादा थिक या ज़्यादा थिन नहीं चाहिए, हमें मीडियम ही रखना है। और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अच्छा से हमें बीट करना है ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये देखिए बैटर रेडी हो गया है। कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा थिन भी नहीं है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे भी अच्छा से मिक्स कर देते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अभी इसमें से थोड़ा बैटर मैं दूसरा बोल में ले लेती हूँ क्योंकि हम कलरफुल बूंदी बनाएंगे। 1 बॉल में पिंच ऑफ येलो कलर ऐड किया मैंने। अभी ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना है ना, अभी अच्छा से मिक्स करना है कलर। मैं रेड एंड येलो कलर का बूंदी बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग में बंगाली में है ना, ओनली रेड एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन का बूंदी होता है। अपना अपना चॉइस है। ग्रीन कलर अगर ऐड करना है तो थोड़ा सा बैटर दूसरा बाउल में और ले लीजिए और ग्रीन कलर ऐड कीजिए, लेकिन हमें पिंच ऑफ कलर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं और दूसरा बाउल में हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। मैं पाउडर पिंच ऑफ रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पास लिक्विड फूड कलर है तो आप यूज़ कर सकते हो। रेड कलर का बैटर भी रेडी हो गया है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अभी हम शुगर सिरप बना लेते हैं। गैस मैंने ऑन कर दिया है। शुगर सिरप के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। जिस कप से बेसन लिया है और बैटर के लिए पानी लिया है उसी कप का मेजरमेंट से चीनी मैंने लिया है। 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी। 1 कप बेसन लिया था तो 1 कप चीनी भी लिया है। फ्लेम हमें हाई पे रखना है, जब तक चीनी डिजॉल्व ना हो जाए हमें इसी तरह चलाते रहना है, स्टार्ट करते रहना है। अभी हम शुगर सिरप में ऐड करेंगे पिंच ऑफ सैफरन, ये ऑप्शनल है, एंड 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर और कार्डमम पाउडर। ये मिक्स कर देते हैं। अभी हम सिरप में ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस ताकि सिरप हमारा बूंदी डालने के बाद क्रिस्टलाइज ना हो। बहुत ही कम ऐड करना है हमें, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, खट्टा हो जाएगा। शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। हमें 1 तार या 2 तार नहीं बनाएंगे, थोड़ा स्टिकीनेस आना चाहिए। ये देखिए थोड़ा स्टिकीनेस आना चाहिए, बस इतना ही हम बनाएंगे। गैस मैंने बंद नहीं किया है, हाई फ्लेम में ही है। अभी मैं तेल गरम करने के लिए रख दिया। इधर मैंने लिया है 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। घी में 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपको घी नहीं चाहिए तो आप ओनली ऑयल यूज कर सकते हो बूंदी फ्राई करने के लिए, लेकिन बूंदी में घी का फ्लेवर आता है ना, तो अच्छा लगता है। तेल गरम हो गया क्या नहीं, हम थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के देख लेते हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, तो अभी हम बना सकते हैं बूंदी। इधर मैं एक स्पैचुला ले लिया है जिसमें होल है, हम लोग पूड़ी बनाते हैं। ये परफेक्ट साइज है बूंदी बनाने के लिए। इसी तरह आप बीच में डालिए। ये देखिए हमें फ्यू सेकेंड फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसा क्रिस्पी हो गया है। फ्लेम हाई पे रखना है हमें, मीडियम या लो पे नहीं रखना है। जितना बूंदिया है तेल में सब हमें निकालना है। सेकेंड राउंड डालने से पहले हमें सब निकालना है। जितना बार आप बूंदी बनाओगे उतना बार आपको स्पैचुला धोना है और इसी तरह ड्राई करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अभी हम सेकेंड राउंड भी डाल देते हैं। अभी ये भी निकाल लेते हैं। अभी तेल गरम है इसलिए फटाफट फ्राई हो जाएगा। इसी तरह येलो बूंदी मैं बना लेती हूँ, उसका बाद हम बनाएंगे रेड कलर का बूंदी। अभी हम रेड कलर का बूंदी बनाएंगे। फ्लेम अभी भी हाई पे ही है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, एवरी टाइम आपको स्पैचुला धो के क्लीन करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं तेल में नहीं रख सकती, इसमें जल जाएगा। फिर बूंदी में बर्निंग फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह बाकी जो रेड बूंदी है वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए कलरफुल बूंदी हमारा रेडी हो गया है। कितना अच्छा क्रिस्पी बना है देखिए। ये देखिए अभी हम बूंदी शुगर सिरप में पकाएंगे। शुगर सिरप थोड़ा ठंडा हो गया था जब तक हम बूंदी फ्राई कर रहे थे। अभी मैं गैस ऑन कर दिया है और शुगर सिरप गर्म हो गया है, तो अभी फ्लेम हाई पे रखना है हमें। बूंदी ऐड कर देते हैं शुगर सिरप में और इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमें पकाएंगे शुगर सिरप में, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देते हैं। उसका बाद डिश आउट करेंगे। होली स्पेशल कलरफुल बूंदी रेडी हो गया है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching my video. See you next time. Take care. Bye.